हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूँ भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स की कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और मैक्सवेल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा गतिकी विभव। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी निकाय के पूर्ण ज्ञान के लिए ऊष्मा गति की चर जैसे पी वी टी और एस, पी मतलब प्रेशर, पी वॉल्यूम, पी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी के अतिरिक्त कुछ अन्य ऊर्जा फलनों की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम ऊष्मा गति की विभव कहते हैं। ये ऊष्मा गति विभव है आंतरिक ऊर्जा यू, एन वोल्ट, मुक्त ऊर्जा एफ, एंथैल्पी एच और गिव फ्री एनर्जी या गिव पोटेंशियल जी है। तो इसको देखिए आप, आंतरिक ऊर्जा एक, एन वोल्ट मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और गिव पोटेंशियल या गिव मुक्त ऊर्जा होती है। तो अब देखिए आप, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसी निकाय की अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके कारण गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर गति करते रहते हैं। गैस के अणु में जो ऊर्जा होती है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी ऊष्मा गति का प्रथम नियम है, जिसमें डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी और डी क्यू की जगह अपन क्या लिखते हैं, पी डी एस माइनस पी डी वी, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। दूसरा अपना हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है, वो एफ बराबर यू माइनस पी एस लिखते हैं। एंथैल्पी को एच बराबर यू प्लस पी वी और गिव विभव को जी बराबर एच माइनस टी एच। इसमें देखिए, इसमें तो आएगा यू माइनस टी एच और इसमें आएगा एच माइनस टी एच। एच यू क्या है, अपनी इंटरनल एनर्जी। अब इसमें से अपन डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी और डी जी बराबर क्या है, एच की वैल्यू अपन रख दी तो एच बराबर यू प्लस पी वी। इसको अपन और आंसर ओपन करें तो डी यू डी यू प्लस पी डी वी प्लस पी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एच डी सी। इसको वापस अपन टी डी एस देखेंगे क्योंकि ये डी क्यू के बराबर होता है, ये डी एस कर जाएगा वी डी पी माइनस एन। तो इस प्रकार किसी निकाय के पूर्ण ज्ञात करने के लिए ऊष्मा गति की चरों के साथ साथ कुछ विभवों की या कुछ ऊर्जा फलनों की भी आवश्यकता होती है, उसको अपन ऊष्मा गति की विभव या ऊष्मा गति की ऊर्जा फलन कहते हैं। इसमें आंतरिक ऊर्जा यू, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। ये सभी ऊर्जा फलन यथार्थ अवकलन होते हैं, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। अपन पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि जब अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर उसको वाई के सापेक्ष करें तो डेल्टा टू डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल्टा डेल टू डेल वाई डेल एक्स, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है। अब अपन कहते हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊष्मा गति के द्वितीय नियम और ये ऊष्मा गति की विभवों की सहायता से कुछ ऐसे मौलिक संबंध प्राप्त किए जिसको अपन मैक्सवेल ऊष्मा गति की समीकरण कहते हैं। इसमें ऊष्मा गति का प्रथम नियम अपना ये है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। द्वितीय नियम में अपन एंट्रोपी की परिभाषा से देखते हैं, डी एस बराबर डी क्यू बटा टी। इसमें डी क्यू बटा टी और डी क्यू बराबर टी इंटू डी एस, डी क्यू की वैल्यू यहाँ रखते हैं टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी और डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। अपन प्रथम जो मैक्सवेल समीकरण है उसको प्राप्त करना चाहें तो अपना आंतरिक ऊर्जा जो अपने ऊपर लिखा था डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी अपने लाया। अब ये आंतरिक ऊर्जा मिश्र राशि कौन सी है, एस और बी, यानी इसका आंशिक डिफरेंशिएशन अमन कर रहे हैं। तो अपन जो आंतरिक ऊर्जा है उसको एस और बी के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे क्योंकि चर राशि है यहाँ। डी यू बराबर डी यू बाई डेल एस इंटू डी यू और डी यू बाई डेल यू बाई डेल वी इंटू डी यू, यानी कहने का मतलब ये है कि अपन एस और बी दोनों क्या है, चर राशि हैं। इसको एस के सापेक्ष अपने आंशिक अवकलन करेंगे और फिर ये अपना डी यू, फिर इसको बी के सापेक्ष करेंगे और ये अपना डी वी। अब अपन देखेंगे इसकी सहायता से ये और ये इक्वेशन है, दोनों डी यू के बराबर है। अपन यदि तुलना करें तो डी एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो ये अपना टी डी यू बाई डी एस टी के बराबर होगा।
और dB के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है dU बाई dV किस के बराबर है माइनस बी के बराबर। अब अपन कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपन क्या करेंगे, इसको तो करेंगे एस के सर्वे करेंगे बी के सर्वे को। देखिए ये डेल बाई डेल बी और डेल बाई डेल एस ये दोनों राशियाँ लेंगे तो ये आंसर ओपिनियन में पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये बराबर होगी डेल डेल टू यू डेल बी डेल एस बराबर डेल टू यू डेल एस डेल। अब डी यू बाई डी एस की वैल्यू क्या है पी है और डी यू बाई डी बी की वैल्यू क्या है माइनस पी है तो अपने यहाँ वैल्यू होगी इसकी वैल्यू टी डेल का टी बाई डेल एस माइनस डेल पी बाई डेल एस ये एस के सब्जेक्ट है ये और ये बी यानी यहाँ एस कौन चल रहा है या बी कौन चल रहा है। इस प्रकार डेल पी बाई डेल बी इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस अपन मैक्सवेल का फर्स्ट समीकरण कहते हैं। इसको एक बार और वापस समझ लीजिए। देखिए कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट आर दी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के टू इंटरप्रेट एनी सिस्टम वी नीड नॉट ओनली ए थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स पी बी टी एस बट आल्सो सम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लाइक इंटरनल एनर्जी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड गिब्स पोटेंशियल एनर्जी बाई विच वी कैन इंटरप्रेट द होली होल पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दीज फोर नंबर इंटरनल एनर्जी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंथैल्पी गिब्स पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। अब अपन मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन निकालना चाहते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट और द्वितीय नियम को मिलाकर उन्होंने कुछ मौलिक संबंध प्राप्त किए जिसमें देखिए प्रथम नियम आप देखिए आंतरिक ऊर्जा वाला अपन लेते हैं डी यू बराबर पी डी एस माइनस पी डी। अब यू किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है एस और पी डी के सापेक्ष होता है तो ये अपना एंट्रोपी और वॉल्यूम है तो अपन डी यू में परिवर्तन कैसे लिखेंगे डी यू बाई डी एस इंटू डी एस डी यू बाई डी बी इंटू पी डी ये रखा। अब इसकी और इसकी अपन तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे डी एस के साथ जो अवकलन आ रहा है और डी बी के साथ जो अवकलन आ रहा है। अब देखिए जैसे डी एस के साथ अवकलन भी आ रहा है तो अपन डी यू बाई डी एस की जगह लिखेंगे टी। आगे देखिए डी वी के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है फैक्टर जो है वो डी यू बाई डी वी किसके बराबर होगा माइनस टू। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंसेस में करेंगे, इसको तो करेंगे बी के सापेक्ष और इसको करेंगे एस के सापेक्ष। देखिए आप ये बी के सापेक्ष और एस अब पुनः इनकी वैल्यू रख देंगे ये अपना टी है होल और ये पूरा अपना माइनस टी तो ये क्वेश्चन क्या बन गई डेल्टा टी बाई डेल्टा बी बराबर माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एस ये एस अपना कॉन्स्टेंट रहेगा या भी अपना कॉन्स्टेंट रहेगा इसको मैक्सवेल फर्स्ट चल रहा है। आगे हम अगले वीडियो में इसी के बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करें।